के साथ दो चीजों में बड़ी समस्या रहती क्या, है। एक तो रो रो में ठीक है, और दूसरा जो घोड़ा घसरक पे अड़क के भड़क के उसमें जो है अक्सर आदमी फंस जाएगा, या शैलेश बोलना है तो उसमें भी आदमी फंस जाता है। और दूसरा है शो वाला, शाम कभी शाम हो जाती है, शाम शाम हो जाता है, समोसा समोसा हो जाता है। जी जी। तो ऐसी भी दिक्कत थी आपके साथ क्या? हाँ, पहले तो थी। अच्छा, उसको लेकिन ठीक कर दिया। हाँ, थिएटर वालों ने मुझे डांट डांट के। क्या क्या दिक्कत होती थी जरा वो बताइए। या मुझे वो जैसे शरीफा में हो जाती है। अच्छा, मतलब मुझे समझ में नहीं कौन सा लिखे शरीफ आदमी शरीफ आदमी। हाँ, मुझे क्या लगता है यार ये तीन तीन शौक क्यों है? अच्छा, आप बताओ क्यों क्यों है, एक से क्यों नहीं काम चला रहे हैं लोग? तीन शॉ नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, दो रो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे आती नहीं है ना, इसीलिए इसीलिए ना तीन शॉ होना चाहिए। हाँ। दो रो भी हटा देते, एक होना चाहिए, नौ भी दो नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, बेकार का उलझन है। सच में उलझन है भाई। अच्छा, ये उलझन मुझे तब पता चला जब मैं बिहार से बाहर आया। पूरे बिहार ऐसे ही बोल, बिहार में तो शो ऐसे बोलते हैं ना, ताला भी शो, उसका अगला दंत शो, मूर्धन्य शो। हाँ। तो ये तीन वाला चक्कर जो ठीक नहीं। अब ये बताओ हमने कहाँ बोला मूर्धन्य शो, ये कहाँ है मुझे कहीं समझ नहीं। आप बताओ सर, कुछ मुझे पढ़ाओ आप सर। जैसे पढ़ाने में कहूँगा आपको कि आप एक काम करो, उधर कहते हैं ना कि गाड़ीवान अपने घोड़े को करता है, तो कैसे लिखोगे आप? अच्छा, ये वाला, अगर ये लिखना हो तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? कैसे बोल दूंगा सर, लिखूंगा नहीं। जी बताओ, ये वाली जी, आपकी जो है। हाँ जी। पंचायत आने वाली है, और पंचायत में आपके किरदार को जब कोई भी देखता है ना, तो उसको लगता है कि यार ये आदमी तो बड़े छोटे शहर का था, इसके सपने देखो, इसने मेहनत की धीरे धीरे, जो आप कह रहे थे कि मैं कछुए की तरह स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और फिर ये करते करते कितना ऊंचा उड़ान मार गया और इतनी जगहों पे है। लोग जब मिलते होंगे तो कहते हैं कि चंदन भैया बताओ क्या किए थे आपके, यहाँ से यहाँ पहुँच गए आप। हाँ, मिलते हैं, बोलते क्या बताते हो? मैं बोलता हूँ देख, सबसे पहले तो पूछ अपने आप से कि तेरे अंदर वो चीज़ है, सिर्फ मुंबई में पैसे हैं या ग्लैमर है, ये देख के मत आ, इससे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और सच पूछो ना तो बहुत सिंपल है ये, मेहनत करोगे ना तो दुनिया में सब कुछ संभव है, अपने ओरिजिनल में रह के और मेहनत करते हो। अगर आप मेहनती नहीं हो ना तो पूरा, तो आपको ना छोटा सा भी काम पहाड़ जैसा लगेगा। एक चीज़ सिर्फ और बताओ, उसके बाद बाकी बात हम फिर कभी करेंगे। बिल्कुल सर। कि आपने गुलमोहर में मनोज वाजपेयी जी के साथ काम किया, मनोज वाजपेयी के कलाकार के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर अपने आप में स्कूल है। जब आपके सामने इतना बड़ा एक्टर हो तो आदमी नहीं सारा अपना सब कुछ भूल जाता होगा, नर्वस हो जाता होगा। सेम चीज हुआ था मेरे साथ। तो फिर क्या क्या घटना बताओ मुझे, वहाँ पे हुआ था क्या? मनोज वाजपेयी से मिले, एक्टिंग कर रहे थे, तो मन में क्या चल रहा था? फिर वो मिले होंगे, उन्होंने क्या कुछ बताया कहा? जैसे जैसे भी अभी मान लो आप डायरेक्टर हो, मैं आपका एक्टर हूँ, ठीक है, आप मुझे ये सीन समझा रहे हो और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ आपको, और पीछे से हमारे मनोज सर आते हैं और यहाँ खड़े हो जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कौन है भैया, और मैं फिर भूल गया कि मेरे डायरेक्टर मुझे क्या बोल रहे हैं। अच्छा, नर्वस हो गए? नहीं, मतलब मैं ब्लैंक हो गया कि भाई जिन्हें, अब मुझे इतनी भी समझ नहीं कि भाई मैं जाके इनको बोलूं हाय सर, हाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे समझ में मैं कैसे रिएक्ट करूं। अच्छा, और ना इनको सुन रहा हूं ना इनको, मैं एकदम समझिए कि पत्थर बन गया था वहां पे। अच्छा, फिर थोड़ा होश में आया, फिर उनको नमस्ते वगैरह करा और हमारा सीन था, हमने सीन शुरू करा, तो मनोज सर ना वहीं पे चेयर ला के बैठ गए, फील्ड था एक, वहाँ बैठ गए और मेरा सीन शुरू होने वाला था। तो मेरे मन में चला था कि यार ये जा क्यों नहीं रहे हैं। अच्छा, टेंशन में थे उनको देख के कि वो बैठे हुए हैं सामने तो। अरे सर, जो अब कहा ना कि वो स्कूल है एक्टिंग में, अब स्कूल के सामने कोई कैसे एक्टिंग करेगा? मुझे ये था कि बंदा हर चीज़ पे हो ना हो मेरे को जज कर ले, कैसा एक्टर है, क्या है, नहीं आके कुछ बोल दे, मेरे को बहुत डर लग रहा था। और मैं भगवान से दुआ करते कुछ काम आ जाए, कोई कुछ भी ऐसा हो जाए कि ये चले जाएं। अच्छा, नहीं गए वो, मुझे वो सीन करना पड़ा, लेकिन थैंक्स गॉड। अच्छा, उन्होंने फिर कुछ कहा कि बहुत अच्छा किया जी, तो ये सीन हो गया, बहुत बढ़िया से हुआ। उधर से चलते हुए आए, बोले कि भाई कहाँ से? अच्छा, मैंने कहा सर मैं हाजीपुर। अच्छा करा, अच्छा करा, कर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, के पेड़ वो कह के चले गए। अच्छा, तो ये मेरे लिए मतलब हौसला अफजाई हो गई। हाँ, मतलब एक तरह सर्टिफिकेट हो गया।